नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। झांसी नगर विधायक रवि शर्मा द्वारा अवैध खनन तथा अवैध परिवहन के मामले को लेकर मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र ने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा नगर विधायक के बयान के सार्वजनिक होने के बाद आनन फानन में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन की टीम ने आज ताबड़तोड़ अभियान चलाकर लगभग 21 ट्रकों को विभिन्न अनियमितताओं के चलते धर दबोचा, जबकि 11 ट्रक मौके से भाग निकले। जिला प्रशासन की टीम इन ट्रकों की तलाश में जुट गई है। संयुक्त मजिस्ट्रेट निधि बंसल के नेतृत्व में प्रशासन तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने आज पूरे जिले में संयुक्त रूप से जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। चिरगांव के रामनगर घाट के पास इस टीम ने 10 ट्रकों को धर दबोचा। ट्रकों के अधिकांश नंबर मिटे अथवा घिसे हुए थे। इसके अलावा इन ट्रकों पर माल भी ओवरलोड पाया गया। इस माल की रॉयल्टी में भी विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं। इन सभी ट्रकों को पकड़कर थाने में खड़ा कर दिया गया। इसके बाद जब टीम वापस लौट रही थी तो रास्ते में एक और ट्रक इसी तरह की अनियमितताओं से भरा मिला। ट्रक को सीज करने के बाद जब टीम झांसी लौट रही थी तो कानपुर बाईपास पर लगभग 27 ट्रक खड़े हुए दिखाई दिए। इन ट्रकों में अधिकांश नंबरों की प्लेट घिसी हुई अथवा मिटी हुई थी। टीम को देखते ही लगभग 11 ट्रक मौके से भाग निकले, जबकि 10 ट्रकों को टीम ने पकड़ लिया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि कानपुर बाईपास पर सखी के हनुमान मंदिर के पास पकड़े गए ट्रक एक सत्ताधारी नेता की कंपनी के हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। टोटल हमने पहले अपनी कार्रवाई चिरगांव से स्टार्ट किया था। चिरगांव में जो रामनगर घाट है वहाँ पर हमने कुछ 8 से 10 ट्रक पकड़े थे, जिनके क्योंकि वो लोग वहीं पर खड़े थे जहाँ से रॉयल्टी कटती है, तो उनका यही बहाना था कि रॉयल्टी हम कटवाने वाले थे। बट उनकी जो सबसे बड़ी गलती थी कि सबने नंबर अपने जो गाड़ियों के नंबर हैं उनको मिटा दिया था, एकदम घिस दिया था। उससे क्लियरली पता लगता है कि वो लोग कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे। तो सारी गाड़ियाँ जिन्होंने नंबर उन्होंने खरीद दिए थे और जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ हैं उनको वहीं पर सीज़ किया गया। एक रास्ते में चिरगांव में ही मिश्रा ढाबा पड़ता है, वहाँ पर भी एक अकेली गाड़ी पाई गई जो ओवरलोडेड थी, उसका भी नंबर पूरा घिसा हुआ था, नहीं दिख रहा था, उसको भी सीज़ करके वहाँ पर चिरगांव थाने में रखा गया है। फिर उसके बाद हम मेडिकल बाईपास पे आए, यहाँ पर हमने देखा कि लाइन से 21 ट्रक खड़े हुए हैं। उनमें से जब हमने चेक किया तो 17 गाड़ियाँ ऐसी थी जिनकी रॉयल्टी नहीं थी और उनके भी नंबर सारे घिसे पड़े हुए थे कि हम नंबर भी नोट नहीं कर पा रहे थे। 4 लोग थे, उनके नंबर भी थे, पर जो उनमें से 2 की रॉयल्टी थी 12 तारीख की, 2 की रॉयल्टी पुरानी थी, तो उन पर भी फिर कार्रवाई की जा रही है मौके पर। क्योंकि आपको भी पता है कि गाड़ी लॉक करके भाग जाते हैं, तो हम सिर्फ 10 गाड़ियों को थाने में ला पाए थे, बाकी 11 गाड़ी फरार हैं, उनको हम पूरा पकड़ेंगे। क्योंकि हमने सारी गाड़ियों के नंबर, ड्राइवरों के नंबर नोट किए हुए हैं और सारे नंबर जहाँ तक उम्मीद है सही होंगे। हमारी पूरी कोशिश है जो 11 गाड़ी भागी हैं उनको भी पकड़ के उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैडम, कोई चर्चा का विषय बना रहा है कि स्कूटर के, ट्रैक्टरों के नंबर इनके मिले हैं तो कुछ? नहीं, ये तो हमें नहीं सूचना है, बट वही है, नंबर सबके घिसे हुए हैं और बिना रॉयल्टी के लोग गाड़ी चला रहे थे। थैंक यू। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।